इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से जुड़ी हुई आ रही है। व्यापम घोटाले में मध्य प्रदेश के राज्यपाल को बड़ी राहत मिली है। जी हां, गवर्नर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है और ये रोक लगाया है जबलपुर हाईकोर्ट ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जबलपुर हाईकोर्ट ने व्यापम घोटाला मामले में गवर्नर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया। हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। अमित, पूरी खबर बताएं। देखिए श्वेता, ये जो आज हाईकोर्ट जबलपुर ने फैसला दिया है कि जो राज्यपाल हैं उन पर उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, लेकिन जांच जारी रहेगी। आपको बता दें कि क्या जब इन पर 20 फरवरी को मामला दर्ज हुआ था, उसके बाद राज्यपाल ने याचिका लगाई थी कि संवैधानिक पद पर रहते हुए उन पर मामला दर्ज नहीं हो सकता है, गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। उस पर 13 अप्रैल को पूरी सुनवाई हो गई थी और आज ऐसा सुरक्षित रखा था। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि संवैधानिक पद पर राज्यपाल हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। लेकिन जहां तक जांच की बात है, जांच चलेगी सम्मानजनक तरीके से, उनसे पूछताछ होगी। बिल्कुल, और आगे अब किस तरह से प्रोसीडिंग, बड़ी राहत तो ये कहेंगे फिलहाल चलिए गिरफ्तारी पर रोक लग गई है, जांच लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं जांच जारी रहेगी इस पूरे मामले में, तो आगे किस तरह से प्रोसीडिंग होगी अमित? देखिए, जो राज्यपाल है, व्यापम घोटाले के तहत जो वन रक्षक परीक्षा हुई थी उस पर इन पे जो धाराएं थी 120 मतलब धोखाधड़ी की, 417, 467, 468 इस तरह की 5-6 धाराओं के तहत उन पे मामला दर्ज हुआ था और 5 लोगों की सिफारिश की है, इस तरह का आरोप लगा था और उस पर एसटीएफ ने मामला दर्ज किया था। इस पे लगातार जो जांच चल रही है, अब जो है एसटीएफ के पाले में गेंद है, वो किस तरह से इसमें पूछताछ करेगी और आगे आकर कितने दिन के भीतर इसमें पूछताछ होगी। बिल्कुल अमित, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।